मेरा नाम गोपाल हालन है और आप देख रहे हैं सी लॉर्ड न्यूज। जानते हैं क्या है आज की ताजा खबरें। सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले एक्टर सुनील ग्रोवर की हुई हार्ट सर्जरी। कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर के फैंस के लिए एक शॉकिंग न्यूज आई है। सुनील ग्रोवर की हार्ट सर्जरी हुई है, जिसकी जानकारी एक्टर सिमी गरेवाल ने ट्वीट के जरिए दी। सिमी ने लिखा, मुझे यह जानकर शॉक लग गया है कि सुनील ग्रोवर की हार्ट सर्जरी हुई है। जो इंसान हमें हंसाता है और दिल को खुशियों से भर देता है, वह आज इस तरह से है। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। प्रार्थना करूंगी कि वह जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। इनका टैलेंट अद्भुत है और मैं हमेशा से ही इनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। फैंस भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने 20 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट को किया बैन। व्हाट्सएप ने दिसंबर 2021 के महीने में 20 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट्स को बैन कर दिया है। इसकी जानकारी ऐप ने अपने लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट में दी है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में व्हाट्सएप ने 17 लाख अकाउंट बैन किए थे। बता दें कि व्हाट्सएप हर महीने कंप्लेंट रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें इस तरह की डिटेल होती है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को देहरादून में एक चुनावी जनसभा व वर्चुअल रैली को किया संबोधित। इस दौरान प्रियंका ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 साल में भाजपा ने हर वादे को तोड़ा है। राज्य की महिलाएं महंगाई और समाज का बोझ उठा रही हैं। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं परेशान हैं। किसान, नौजवान और दलित परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में उत्तराखंड में विकास हुआ है। भाजपा रोजगार की नहीं केवल धर्म की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के लिए काम करना चाहती है। केंद्र ने राज्यों से 15 से 18 आयु वर्ग के बीच दूसरी खुराक कवरेज में तेजी लाने को कहा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र प्रदेशों से पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे 15 से 18 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों के बीच दूसरी खुराक में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें और यह सुनिश्चित करें कि जिन लाभार्थियों को पहली खुराक नहीं लगी है, उन्हें समय सीमा के अनुसार पहली डोज दी जाए। बता दें कि 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए कोविड-19 का टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। धन्यवाद।